हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चिकित्सा विभाग ने पाली में पकड़ा 1,134 किलोग्राम मिलावटी मावा और 500 किलोग्राम रसगुल्ले। पाली स्वास्थ्य विभाग पाली की ओर से त्योहारी सीजन को लेकर चलाए जा रहे शुद्ध को लेकर अभियान को लेकर शुक्रवार को फूड इंस्पेक्टर आनंद चौधरी के नेतृत्व में बीकानेर से पाली सवेरे मावे से अधिक गाड़ियों में मावा जब्त किया, कार्रवाई की गई। आनंद चौधरी ने मीडिया को बताया कि सूचना पर सवेरे 5 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जानकारी सूत्रों के अनुसार निजी बसों से पाली लाया ये मिलावटी मावा बीकानेर से पाली में 8 लोगों को सप्लाई होने के लिए आया था। 11 से 24 किलो मावे के सैंपल लेकर उन्हें कोल्ड स्टोरेज में रखने के आदेश दिए गए। उन्होंने बताया कि पाली में 8 लोगों के लिए ये मावा सप्लाई होने के लिए आया था, जिसको देखते हुए सवेरे इन निजी बसों से मावा जब्त किया गया एवं प्रति मावे के सैंपल लिए गए एवं जिन लोगों को ये मावा सप्लाई किया गया था उन लोगों को भी मौके पर बुलाकर पाबंद किया गया है और पूछताछ की जा रही एवं उनके विभिन्न तरह के दस्तावेजों की जांच भी की जा रही है। फिलहाल सैंपलों को जांच के लिए भिजवाया गया है। पाली जिला मुख्यालय बजरंग नगर जे पास ये कार्रवाई हुई। वहीं निकट कार्रवाई होती देख मिठाई के दुकानदार दुकानों को छोड़ फरार हो गए। अभी रास्ता सरकार द्वारा शुद्ध के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके मद्देनजर हमें मुख्य विशेष सूचना मिली थी बीकानेर से पाली पूरे डिस्ट्रिक्ट में मिठाई वालों के लिए मावा सप्लाई होना है। उसमें हमने सुबह भी 5:30 मिर्जा जी वाले टीम गठित करके बस को रोका। उसमें 63 पीपे में लगभग 18 किलो मावा, टोटल 1,134 किलो मावा और लगभग 500 किलो रसगुल्ले मौके पर उतरवा के और सभी जिन जिन का मावा था उनके बिलिंग वगैरह चेक करके उनको मौके पे बुला के फूड सेफ्टी एक्ट 2006 के तहत 8 सैंपल लिए जांच हेतु और मावा बेचने हेतु पाबंद किया। रिपोर्ट आने तक उनको कोल्ड में रखवाया। जागरूक टीवी के लिए सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।